श्री राम दोस्तों, मैं सुमो है, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे आप लोग मिलते हो, समझ रहे हंसी खुशी जी रहेंगे। तो गाइस मैं आगे अपनी और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो उतरे भाई ओशियन पैलेस में, और ओशियन पैलेस में उतरते साथ बंदों के मुंह पे नेड़ फाड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ एक नेड़ और, पर वो वीडियोज बाद में आएंगे, क्योंकि देखो मेरी वीडियोज आती है स्पेसिफिक टॉपिक में, जिसमें नेड से ज़्यादा ही था भाई मचे, तो वो वाली वीडियोज अलग होती है। पर फिलहाल हम लोग इस वाली वीडियो पर ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई इसमें हम लोग के पास भाई देखो इसमें होता है भाई, अपन चलाते एक डिफरेंट कॉम्बो भाई, DP28 प्लस M249 भाई क्लोज रेंज में बहुत तगड़ा होता है, 1v3 में निकाल देता हूँ रिकॉल टावर पे उससे। तो बस वो सीन्स थोड़े से आ गए, तो वो सीन्स देखने के लिए आपको वीडियो थोड़ी सी तो देखनी पड़ेगी भाई। अब इतना भी नहीं देखोगे तो भाई क्या ही करूँगा तुम लोग का, तो प्लीज़ थोड़ी देर देख लो, आपको कुछ नहीं लगा, आप अगर फ्री बैठे हो तो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिल सीन नहीं है, पूरा देख पाओ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो पूरा देखोगे तो मेरा ये वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, वीडियो काफ़ी लोग तक पहुँचेगी। और अगर आप नहीं देखोगे तो ऊपर जैसे दो बंदों को मैंने मारा जिनमें से एक का किल मैंने चुराया, तो आपका भी किल वैसे ही चोरी होगा। और अगर आप वो नहीं चाहते तो आप एक तो वीडियो पूरा देख लो, दूसरी चीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 150 सब्सक्राइबर इतने क्लोज है, इतने क्लोज है कि सिर्फ एक सब्सक्राइबर बचा है, 149 पे हम लोग 150 करना है भाई, एक सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके वीडियो देखते तक हम लोग 150 क्रॉस कर चुके हैं, तो भाई 200 का गोल लग चुका है भाई, अब 200 करेंगे हम लोग भाई, रुकेंगे नहीं, रुकना हमने सीखा नहीं है कभी। जैसे इस बंदे को मारने टाइम भी मैं नहीं रुक रहा था भाई, बंदे को सीधा इतना चपेट मारा, एक तो देखो HP बहुत कम थी पर मैंने फिर भी इसको मारा। तो आप लोग भी ऐसा ही करो यार, रुकना नहीं हमें किसी चीज़ में भाई, 150 एक टाइम मेरे को बहुत बड़ा नंबर लगता था, पर देखो अब इतने क्लोज आ चुके हैं भाई, जस्ट एक सब्सक्राइब बचा हुआ है, तो भाई एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है ना आपको कुछ फालतू कंटेंट दे रहा हूँ, हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नहीं हंस रहे हो तो भाई गेम प्ले देख लो, गेम प्ले उतना कुछ खास तो है नहीं, मैं खुद एक्सेप्ट कर लूँ, मैं खुद मैं बोलता हूँ भाई, मैं आराम से 5-6 गेम प्ले इसका कंपाइल करके डालता हूँ, पर वो सब तो होता रहेगा। तो प्लीज़ यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और भाई लाइक भी कर देना वीडियो को। अब देखो यहाँ क्या होता है, इस बंदे को मैं करता हूँ नॉक, अपनी M249 में रिलोड कर रहा था, क्योंकि एक रॉयल पास में मिशन है कि भाई M249 से 6 बंदे मारने। अब देखो मेरे सामने क्या होता है भाई, रिलोड करते करते मेरा किल ठपा लिया किसी ने। अब क्या तो मैं यहाँ ऊपर आता हूँ M249 लेके, अब क्या तो ऊपर से देखो टावर से मुझे गोली पड़ रही होती है, मैं उधर स्कोप खोलता हूँ, अचानक से मेरे बगल में बंदा आ चुका है, जिसने मेरे को भाई बहुत लो कर दिया, लिटरली 1 HP बचाओ। पर उसके बाद मेरे को समझ नहीं, इसका एम ज़्यादा खराब थी या मैं थोड़ा ज़्यादा प्रो था रिफ्लेक्स देने में, कि मैंने इसको सीधा निपटा दिया। क्योंकि देखो भाई मैं 1 HP बचा, 1 HP का दिया और फिर भी गोली चला रहा, पर इसने मुझे मारा नहीं है। फिर मैं आता हूँ, फिर मैं M249 से इसको मार देता हूँ। अब क्या होता है, हम लोग पहुँचते हैं रिकॉल टावर। अब देखो सामने स्टिंगर्स आते हैं बंदे, अब भाई इनको मारने की पूरी कोशिश तो मैं कर रहा था। अब यहाँ एक दिक्कत है ना, मैं स्कोप खोलना चाह रहा था, मेरा स्कोप खुल नहीं रहा था, तो मेरे को ये नॉर्मल हिप फायर में उसको ख़त्म करना पड़ा। फिर मैं ऊपर आता हूँ, इस बंदे को DP का एक हेड मारता हूँ क्लोजर में, इसको ख़त्म करता हूँ। फिर यहाँ मैंने नीचे जो नॉक निकालते मैं उनके पास जाता हूँ। अब क्या होता है, सामने से मेरे को फुट आ चुका था, मतलब मेरा टीममेट बोल रहा था रिकॉल टावर के पास होगा, रिकॉल कर रहा होगा, तो मैं इधर जाता हूँ। अब यहाँ बंदा नहीं था, पर मेरे को तुरंत फुट आ गया कि बंदा इस घर के पीछे बैठा हुआ है। मैं जाता हूँ और भाई बंदा क्या ही मारेगा भाई, इतना गोली है मेरे पास कि मैं फ्री फायर देकर उसको ख़त्म कर दूँ। फिर यहाँ एक ईजी 1v3 निकालने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, यहाँ पे बचे कुछ नॉक वॉक कन्फर्म कर देते हैं, जिसके वो दरअसल में मेरा ही था, इसको छोड़ देता भाई बहुत बुरा लगता। फिर हम लोग आते हैं पानी के अंदर, आप बोलोगे भाई अभी तो वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, अब यहाँ कैसे आ गया भाई, वो मैं डोमिनेट करते करते डोमिनेट हो गया, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वापस आना पड़ा। अब क्या होता है भाई, सामने देखो बंदा है, नेट खींचा हुआ, मैंने नेट खींचा हुआ है, मैं उस पर फेंकता हूँ, 1 सेकेंड ओवर कुक हो गया, 0.5 सेकेंड ओवर हो गया, जिसकी वजह से बंदा मरता नहीं। फिर इसका टीममेट आता है मेरे ऊपर रश करने, पर भाई पीछे से मेरा टीममेट इसको इतना लो कर दिया कि भाई ये एक आध गोली से ही बंदा फिनिश हो जाता है, नॉक कर देता हूँ, फिर उसको फिनिश करता हूँ। फिर हम लोग आके यहाँ से रिकॉल उठाते हैं। अब यहाँ से रिकॉल उठाने के बाद हम लोग जा रहे होते हैं, अब बस मुझे एक चीज बताओ, इतनी गोली मारी, इतने हेड मारे, इतनी बॉडी मारी, मुझे बस एक नॉक मिला यहाँ पे, बस एक, बाकी 2 नॉक मेरे टीममेट्स ने उठा लिए। फिर मैं इधर आता हूँ, अब क्या होता है मेरे को नीचे से भी फुट आ रहा होता है, पर मेरे को किल मिल जाता है मेरा ऊपर वाला नॉक का, तो मुझे लगा भाई खत्म हो चुके बंदे, फिर यहाँ से सीधा एग्जिट मारो। अब भाई एग्जिट मार के हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पे बंदों को ढूंढने रोजॉफ की तरफ। अब भाई यहाँ पे एक बॉट मिलता है, इस बॉट को नॉक करने के बाद, इसकी पेटी डालने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। और भाई इसमें ऐसा नहीं कि फाइट्स नहीं है भाई, लास्ट में जो फाइट्स है भाई मजा आएगा आपको देख के। अब बोलोगे भाई ऊपर से मैं इसमें पता है सोलो चिकन निकाल दो, सोलो चिकन भाई, ऐसा नहीं कि मतलब एक बंदा बचा होता है मेरा टीममेट मर जाता है तो भाई सोलो ही चिकन निकालूंगा ना, कि 1v1 का फाइट था। कॉमन सेंस गाइज,
यार थोड़ा यूज कर लो यार, अच्छा लगता है कॉमन सेंस यूज करना। अब क्या था, इस बॉट को मारने के बाद मेरे पास सामने फुट आया भाई, इस बंदे को रिफ्लेक्स में मुझे मारना पड़ा। पर आप लोग बोलते हैं भाई रिफ्लेक्स तो वही होता है जिसमें तू पूरा घूम जाए, नहीं भाई इसको भी रिफ्लेक्स बोलेंगे भाई। बंदे से उतरा तुरंत साउंड आया, तुरंत गोली चली, बंदे फ्री फायर में आ गया। अब कहते हैं नीचे आपको बंदा स्पॉट हो चुका होगा, अब भाई उसको तो मैं यहाँ पे मारने जाता हूँ। अब उसको यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, चेस करते हैं, नीचे उतरता हूँ, बंदा आता है, पता नहीं ये बंदा किस धुन में है, तो इसको नॉक करता हूँ, फिर इसको फिनिश डालता हूँ। पर तब तक पीछे से मुझे गोलियाँ पड़नी चालू हो चुकी थी, तो भाई यहाँ पे मेरी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है आधी से ज़्यादा हेल्थ। अब मैं ऊपर आता हूँ अपने टीममेट्स को कवर देने, और भाई मेरा वाईफाई मेरे को इतना टेलीपोर्ट करवा रहा होता है कि मैं यहाँ पे हील मारते मारते मुझे बंदा ही मार देता है। अब बोलोगे इससे उसका क्या मत कनेक्शन, भाई देखो अगर मेरा टेलीपोर्ट नहीं होता तो मैं पहले यहाँ पहुँच चुका होता, तो मैं मरता ही नहीं ना भाई। ये तो मेरा नेटवर्क का दोष है, पता नहीं भाई ये पहले जियो वाले थोड़ा अच्छा चलता, फिर एयरटेल का वाईफाई पे स्विच किया था, भाई थोड़ा सा तो मेरे को दिक्कत आ रहा है। जैसे इस बंदे को मैंने दिक्कत दे दी। अब क्या होता है, इस बंदे को मारने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे अपार्टमेंट तरफ चलते हैं। अब अपार्टमेंट में यहाँ इसे नहीं बंदे नहीं, यहाँ पे बहुत फाइट हो रही है भाई, यहाँ पर का टीममेट भी अब नीचे गए, प्रॉपर चार बंदे बैठे हुए हैं। अब देखो उधर से बंदा आ रहा था, मैं उसको फायर करता हूँ, मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, एक बंदा बगल से आता है, मेरा टीममेट मुझे इस कोने से हिलने नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है मैं हिल नहीं पाऊंगा, मेरे जॉयस्टिक देखो भाई पूरा, मैं जॉयस्टिक इधर उधर कर रहा हूँ, अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई हट जा थोड़ा, फिर जाके वो हटता है कहीं। फिर क्या होता है, एक बंदा यहाँ पे बाहर आता है, मेरे को इसकी लोकेशन कैसे पता चली भाई, ये गलती से वो वाटर बबल में आ गया, तो इसकी लोकेशन मार्क हो गई थी, तो ये लोकेशन मार्क के इसकी सबसे बड़ी गलती, बेचारा सीधा आ गया अंदर घुसने, तो वहाँ पे आके वो पिट जाता है। फिर इस बंदे को डैमेज देता हूँ, इसको मारते मारते मेरा टीममेट यहाँ पे थोड़ी से मेरे को अपशब्द बोल देता है, क्योंकि मैं उसको घुसने नहीं दे रहा था गलती से। अब देख सकते हो सामने एक बंदा है, भाई ये बंदा यहाँ खड़े होकर क्या करता मुझे नहीं पता भाई, एकदम खड़े, तो आके इसको सीधा नॉक करता हूँ, फिनिश डालता हूँ, और भाई मेरे टीममेट्स वहाँ आगे किसी से फाइट ले रहे हैं। फिर क्या होता है, तब तक मैं उड़ के सीधा आ जाता हूँ ये रोजॉक वाले हिल में। अब भाई हम लोग जा रहे होते हैं इस घर के अंदर, मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मुझे आता है फुट स्टेप, मैं समझ गया बंदा इस सीढ़ी पे आने वाला है, तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा फुट स्टेप देता हूँ। बंदा जैसे यहाँ बैठा, और जैसे ही वो बैठा मैं सीधा इसको करता हूँ नॉक, और इसको नॉक भी क्या करता हूँ, डायरेक्ट फिनिश होता, अकेला बंदा बचा होता। फिर क्या होता, मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक फिनिश हो जाता है, सामने एक बंदा स्नाइपर चला रहा होता है, नई वाली जो स्नाइपर आई वो चला रहा होता है। अब भाई यहाँ पे एक बंदा बचे, वन ई वन की फाइट है, आप जानते हो भाई वन ई वन बहुत प्रो है यार, बहुत प्रो है, तो भाई मैं ये वन ई वन की फाइट निकाल देता हूँ असल में जाके। और बंदा इधर भी कैंप ही करके बैठा है, देखो। अब भाई इस बंदे को मारने के बाद यहाँ चिकन डिनर हम लोग निकाल लेते। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा डांस देख लो, विक्ट्री डांस, तो जल्दी मिलेंगे आपसे।